फिर पेज नंबर 120 या 123 जो भी आपकी बुक में, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4.2 जो है वो शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में 5 बार हमें सॉल्यूशन देना है। पांच हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, वो पांचों टेक्निक इसमें यूज होंगी। एक कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल न्यू मिलिंग कंट्रोल्स। द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट ₹50,000। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50,000 रुपये है। सबसे पहले हमें तीन चीज़ें निकालनी है, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू होगा। सबसे पहले हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में पता चल गई है कि ₹50,000 हमने जो इंस्टॉलेशन में खर्चा करना है वो 50,000 करना है। द फैसिलिटी हैज़ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स एंड नो सेल्वेज वैल्यू। ये प्रोजेक्ट 5 साल तक चलेगा, जिसके बाद इसकी कोई सेल्वेज या स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। द कंपनी टैक्स रेट इज 35%, जो कमाएंगे 35% उस पर टैक्स लगेगा। फर्म यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हम डेप्शन लगाएं तो 5 साल जिस असेट की लाइफ है और 50,000 उसकी अगर कॉस्ट है, तो 10,000 डेप्शन 1 साल का फिक्स हो जाता है। ये भी लिखा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एज फॉलोज। हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन गिवन है। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या रहता है, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज, ये हमें निकालने पड़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके अंदर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन गिवन है, हमें आगे का सारा वर्क जो है वो करना पड़ेगा। क्या क्या वर्क हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये जो प्रॉफिट है वो सारे अलग अलग है, इसलिए मुझे ये वर्किंग भी अलग अलग करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 10,000। अगला इसके बाद इसके अंदर है 11,000। नेक्स्ट इज 14,000, ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमारा हो गया है। उसके बाद फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर भी हमें गिवन है। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 15,000 और लास्ट जो हमें गिवन है फिफ्थ ईयर, उसका प्रॉफिट जो गिवन है वो है 25,000। ले लिए हमने सारे प्रॉफिट। अब इसमें से लेस क्या करना है हमें, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। 50,000 की एसेट को 5 से अगर डिवाइड कर दूं, 10,000 डेप्रिसिएशन होगा। 10,000 का डेप्रिसिएशन आप लेस कर दीजिए हर साल। 5 साल के लिए हमने ये माइनस कर देना है। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस करने पर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 0 रहा। यहाँ पर 1,000, 4,000, 5,000 एंड 15,000। अब क्या लेस करेंगे, टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है, 35%। तो 0 पे तो टैक्स 0 ही हो जाएगा, 350 टैक्स हो जाएगा यहाँ से। और 4,000 का अगर मैं 35% निकालूँ तो 1,400 मेरा टैक्स हो जाएगा, और 5,000 का अगर निकालते हैं तो फिगर आएगी 1,750, और 15,000 पे ये फिगर आ जाएगी 5,250। जैसे ही माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये फिगर हमारे पास होगी 0, यहाँ पे हो जाएगा 650, 2,600, 3,250 और 9,750। ठीक है, अब क्या करना होता है हमें, जो डेप्रिसिएशन ने माइनस किया था उस डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं 10,000 ईच ईयर। 10,000 का ही डेप्रिसिएशन हमने हर साल चार्ज किया था, वही 10,000 का डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर रहे हैं। और अगर ऐड बैक कर लिया तो हमारा हो जाएगा कैश इनफ्लोज, ये 10,000, ये 10,650, 12,600, 13,250 और ये हो जाएगा 19,750। क्लियर है। एक वर्किंग हमें और चाहिए होती है, वो होता है टर्मिनल अमाउंट कितना होगा, टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू इस प्रोजेक्ट की कितनी रहेगी भाई, क्वेश्चन में कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं बताई गई है, इसका मतलब टर्मिनल वैल्यू हमारी होगी निल। जब तक ये तीन चीज़ें आपके पास रेडी नहीं हो जाएंगी, तब तक आप अपने क्वेश्चन को शुरू नहीं कर पाएंगे। अब हम कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, हमारे पास तीनों चीज़ें रेडी हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेडी है, लास्ट क्लास में निकालना सीखा, लास्ट चैप्टर में निकालना सीखा था ये। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो हमारे रेडी हो गए,
और तीसरा टर्मिनल वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब देखते हैं उसने क्या क्या मेथड पूछे हैं। सबसे पहले उसने पूछा जी पे बैक मैथड से हमारा जवाब क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले पे बैक मैथड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पे बैक मैथड अगर मैं लगाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जो पैसा मेरा गया वो वापस कब हमें लौट के मिला। ये मेथड जो है वो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। सबसे पहले पे बैक मेथड, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ईयर लिखने पड़ेंगे जो कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ मेरा कैश फ्लो कितना है। फर्स्ट ईयर में हमारे 50,000 गए हैं, उसके बाद आए क्या क्या हैं। ध्यान रखना पांच मेथड इस फिगर की डिमांड करेंगे। पे बैक मेथड लगाना होगा तो यहाँ से फिगर लेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू लगाना होगा तो ये वाले मेथड की फिगर ली जाएगी, उसके बाद हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, चार मेथड के लिए ये फिगर ली जाएगी। लेकिन एक मेथड जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो अपनी कैलकुलेशन करने के लिए इस फिगर की डिमांड करेगा, नेट प्रॉफिट की डिमांड करेगा। पांच मेथड है, चार मेथड को ये फिगर चाहिए, एक मेथड को ये फिगर भी चाहिए होगी। तो अब यहाँ पे फिगर लिख देते हैं। सबसे पहले पे बैक मेथड हम लगा रहे हैं तो ये वाली फिगर लिखते हैं कैश इनफ्लो में। पहले साल आएगा 10,000, दूसरे साल आएगा 10,650, फिर 12,600, 13,250 और 19,750। आ गए हमारे पास सारे कैश इनफ्लोस। पे बैक मेथड क्या कहता है, पे बैक मेथड कहते हैं जो पैसा गया लौट के आने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले पे बैक मेथड का आंसर देते हैं। नंबर वन, पे बैक मेथड क्या कहता है, ये जो पैसा गया वो लौट के कब आएगा। देखिएगा कब आएगा, हमें 50,000 पे डाले थे, 50,000 पे पूरे करने हैं। सबसे पहले 10,000 आने वाले, उसके बाद 10,650 भी आ गए, मैंने ऐड कर लिया, फिगर हो गई है 20,650। अब उसके बाद मैं 12,600 और ऐड कर देता हूँ, फिगर होती है 33,250, अभी भी पूरे नहीं हो रहे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लेना थर्ड फिगर जो कि है 13,250, उसको ऐड कर लियोगे 46,500। यहाँ तक आते आते 46,500 हो गए। पाँचवें साल में जाके पूरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे पूरे पैसे। ठीक है, अब इसमें 4 ईयर्स तो पूरे लग गए। 4 ईयर्स तक आते आते मेरे पास यहाँ पे जो अकाउंट अमाउंट इकट्ठा हुआ वो 46,500 इकट्ठा हुआ है। कितना पैसा कम पड़ गया, 3,500। जो टोटल कमी रह गई है वो कितनी रह गई है, 3,500। किससे कवर करेंगे वो, ये जो हमारे पास फिगर है 19,750 उससे कवर करेंगे। 46,500 आ चुके हैं 4 साल में, पूरे 5 साल का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे पहले ही हमारे पास 3,500 इकट्ठे हो जाएंगे और इस साल हमारी कलेक्शन होने वाली है 19,750। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो फिगर आएगी 4+3,500 / 19,750, 0.17 या 1.8 बोल सकते हैं, और टोटल पीरियड हो जाएगा 4.18 ईयर्स। चेक करो आपके आंसर में गिवन होगा ही। पे बैक मेथड से जो हमारा आंसर आएगा 4.18 ईयर्स आएगा। ठीक है जी, अब दूसरा मेथड, दूसरा मेथड हमारा कौन सा पूछा है उसने, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। खास बात है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए ये कैश इनफ्लो यूज नहीं होते, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए नेट प्रॉफिट यूज़ करना होता है। और सबसे पहले हम इसको अप्लाई करने से पहले इन सब की एवरेज इनकम निकालेंगे। तो सबसे पहले यह निकालते हैं, अगर दूसरा मेथड मुझे लगाने के लिए बोला गया, दूसरा मेथड हमारा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसका फार्मूला क्या रहता है, इसका फार्मूला रहता है एवरेज इनकम या फिर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ें निकल जाएं तो मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें इसके लिए पॉइंट में एवरेज इनकम निकालनी है। कैसे निकलती है एवरेज इनकम, जितने भी ये प्रॉफिट है उन सबको ऐड कर लो और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। पहला है 0, दूसरा है 650, तीसरा है 2,600, फिर 3,250 और फिर 9,750। ये टोटल 5 साल की इनकम है, क्योंकि 5 साल की इनकम है, इससे कितने से डिवाइड किया जाएगा, 5 से ही डिवाइड किया जाएगा।
650 प्लस 2600 प्लस 3250 और प्लस 9750 डिवाइड बाय 5 करने से फिगर आ रही है मेरे पास 3250। दूसरी चीज जो इसके लिए निकालनी जरूरी है वो क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये कैसे निकलती है, सबसे पहले देखना है कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी, उसमें प्लस कर देना है स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड करना है 2 से, और अगर वर्किंग कैपिटल है तो वो भी ऐड करनी है, वर्किंग कैपिटल तो इसमें है ही नहीं। तो हमने कॉस्ट ऑफ असेट पता ही है हमें 50,000, और स्क्रैप वैल्यू है 0, टर्मिनल वैल्यू है 0, 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आ गया 25,000। दोनों फिगर आ गई है, ले आओ फिर इस मेथड में सबसे पहले लिखेंगे 3250, फिर डिवाइड कर देंगे 25,000 से। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देना, और अगर मैं 3250 को डिवाइड करूं 25,000 से तो फिगर आ रही है एक्यूरेट 13%। चेक कीजिए आपके आंसर में गिवन है 13% आंसर। तो दो मेथड तो हमने अप्लाई कर दिए, अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो भी डिस्काउंट रेट कितना लगाना है 10%। उसके लिए मुझे इस टेबल के अंदर पीवीएफ फैक्टर जो है वो डालना पड़ेगा, यहाँ पे डाल देते हैं पीवीएफ 10%। पीवीएफ टेबल आपको ढूंढनी पड़ेगी, और जो पीवीएफ टेबल है उसके अंदर आपको जो नंबर गिवन है वो ढूंढने 10% टेबल के अंदर। पीवीएफ टेबल में जीरो ईयर की वैल्यू नहीं होगी, जीरो ईयर पे हमेशा क्या लिखा जाता है 1, बाकी की फिगर होगी, बाकी की फिगर आप उसके अंदर देखिए, जो फर्स्ट फिगर होगी होगी 0.909, अगली होगी 0.826, उसके बाद 0.751, नेक्स्ट इज 0.683, और लास्ट इसके बाद होगी 0.621। ठीक है भैया, आप अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो प्रेजेंट वैल्यू अपने आप आ जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू, माइनस का 50,000 होगा, ये हो जाएगा 9090। नेक्स्ट फिगर हमारे पास जो इसके अंदर आने वाली है वो आने वाली है 0.826 मल्टीप्लाई बाय 10,650। ये फिगर आएगी हमारे पास 8797 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अगली फिगर हमारे पास होगी 0.751 मल्टीप्लाई बाय 12,600। ये फिगर हमारे पास आने वाली है 9463। नेक्स्ट उसके बाद जो फिगर है 0.683 मल्टीप्लाई बाय 13,250, ये फिगर आएगी 9,050, और 0.621 मल्टीप्लाई बाय 19,750, ये फिगर हमारे पास आएगी 12,265। प्लस और माइनस को अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी मेरी एनपीवी, और ये जो फिगर मेरे पास आने वाली है ये नेगेटिव में आने वाली है, ये फिगर मेरे पास आएगी माइनस में 1335। चेक कीजिए आपके आंसर में ये फिगर गिवन होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस के अंदर आ रहा है हमारे पास 1335। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक इसमें मेथड और पूछा गया, उसने पूछा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बताइए 10% डिस्काउंट पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने में ज़्यादा परेशानी हमें नहीं आएगी, ये हमारा फोर्थ मेथड हो गया एनपीवी मेथड, सॉरी थर्ड मेथड हो गया, ये तीसरा मेथड हमारा हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये फिगर निकालना ही हमारा मेथड था। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या डिमांड करता है, फोर्थ मेथड, यहां पे लिख देता हूं मैं फोर्थ मेथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इस मेथड में हमें दो चीजें निकालनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइड बाय क्या करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। अगर आप ध्यान से देखें आउटफ्लो मतलब नेगेटिव फिगर कौन सी थी, उनकी क्या अमाउंट है, नेगेटिव फिगर तो हमें पता है कितनी थी 50,000, और पॉजिटिव भी आपको बस यहां से लेकर और यहां तक ऐड कर लेना है, पॉजिटिव भी पता चल जाएगा। ये जो फिगर हमारे पास आएगी इन सबको ऐड करने के बाद
वो फिगर आ रही है 48,665, ये सारी फिगर, तो 48,665 समझ में आ गया ना कौन सी फिगर है ये, 48,665 ये है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 50,000 से, डिवाइड अगर मैं करता हूँ 50,000 से तो नंबर मेरे पास जो आ रहा है इसके अंदर 48,665 डिवाइड बाय 50,000 ये फिगर आ रही है 0.9733 टाइम्स, जो कि आपके आंसर में गिवन होगा 0.973। क्लियर है? सिर्फ एक मेथड हमारा हो रह गया, वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हमारी एनपीवी वैल्यू हमारे बड़े हेल्प आ सकती है, काम आ सकती है। हमें बस इसके अंदर एक परसेंटेज और अप्लाई करनी है। हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जो कंडीशन थी वो ये थी कि हमारे पास दो एनपीवी रेडी होनी चाहिए, जिसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव फिगर आ चुकी है, नेगेटिव फिगर आ चुकी है, हमें कौन सी फिगर चाहिए? पॉजिटिव फिगर चाहिए। अपनी कॉस्ट आप कम कर दो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ाओगे तो और नेगेटिव हो जाएगा। जितनी लागत बढ़ाते जाओगे उतने नेगेटिव होते जाओगे, और जितना अगर हम अपनी कॉस्ट को कम कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो अभी हमने अपनी कॉस्ट 10% मानी है और हम नेगेटिव है, तो थोड़ी कॉस्ट कम करो पॉजिटिव हो जाओगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 2% कॉस्ट सेफ रहते हैं, 2% का मार्जिन ले सकते हैं। तो 2% अगर कॉस्ट कम कर दूँ तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव में आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं एक और पीवी फैक्टर यूज़ करने वाला हूँ, जो पीवी फैक्टर यूज़ करने वाला हूँ पीवीएफ 8% यूज़ करने वाला हूँ। मुझे कॉस्ट अपनी थोड़ी सी कम करनी है, और अगर मैं 8% वाली टेबल इसके अंदर यूज़ करना शुरू करूँ तो फर्स्ट फिगर तो मिलेगी नहीं, फर्स्ट टेबल वैल्यू 0 ईयर की होती है, बाकी वैल्यू आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ये फिगर जो आएगी 0.926, अगली फिगर होगी 0.857, नेक्स्ट उसके बाद जो फिगर होगी 0.794, अगली 0.735, नेक्स्ट 0.681। ठीक है जी, अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा से एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ये फिगर आएगी माइनस में 50,000। अगली जो फिगर मेरे पास इसके अंदर होंगी उनकी भी बात कर लेते हैं, इसके अंदर अगली फिगर होगी 0.926 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये तो सिंपल आ जाएगी 9,260। 0.857 मल्टीप्लाई बाय 10,650 ये फिगर आएगी 9,127। अगली फिगर है 0.794 मल्टीप्लाई बाय 12,600 ये फिगर आएगी 10,004। 0.735 मल्टीप्लाई बाय 13,250 9,739, और लास्ट है 0.681 मल्टीप्लाई बाय 19,750 13,450। टोटल जो फिगर आ रही है वो 51,580 आ रही है प्लस वाली। माइनस अगर मैं कर दूं तो मेरी एनपीवी एट प्रेजेंट प्लस में आ जाएगी 1,580। ठीक है जी, एक फिगर नेगेटिव आ चुकी है, अब एक फिगर पॉजिटिव आ चुकी है। अब पांचवा मेथड लगा देते हैं, जो कि है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस परसेंटेज को निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लोअर डिस्काउंट रेट लेते हैं हम, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी, जो दो एनपीवी निकाले उसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव एनपीवी डिवाइड करना है पॉजिटिव एनपीवी, माइनस करना है इसमें से नेगेटिव एनपीवी, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट, जो रेट में डिफरेंस था उससे। तो आप मुझे सबसे पहले 2% जो आपने यूज़ की है, कौन कौन सी यूज़ की है, एक 10% और एक 8%। तो जो लोअर डिस्काउंट रेट है वो मुझे बताइए, लोअर रेट इज 8% प्लस कर दीजिए वो एनपीवी, दो एनपीवी आई हुई है, पॉजिटिव वाली एनपीवी ऊपर रखी है जो कि है 1580, डिवाइड कर दीजिए 1580, और माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि दो माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, प्लस हो जाएगा 1335।
और फिर मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। एक आपने 10% लिया, एक आपने 8% लिया, इसलिए 2% का हमारा डिफरेंस है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये तो 80 रहेगा, ये फिगर 1580 में पहले प्लस करते हैं 1335, और ये ऊपर फिगर जो हो जाएगी 1580 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर डिवाइड कर देता हूँ मैं जो मैंने फिगर ऐड की थी 1335। तो फिगर मेरे पास जो आने वाली है इसके अंदर, वो एक बार फिर से मुझे निकालना पड़ेगा ही, 1580 मल्टीप्लाई बाय 2, और डिवाइड इसे हम कर देते हैं अपनी फिगर से, तो फिगर आएगी ये 1.084। तो टोटल हमारा हो गया ये 9.08%, आप राउंड फिगर में बोल सकते हैं, जो कि आपका आंसर है। चेक कीजिए गिवन है इसके अंदर ये आंसर। तो ये हमने जो मेथड किए, पांच मेथड से हमने ये कैलकुलेशन जो है यहाँ पे करके दिखाई है, पांचों मेथड इस क्वेश्चन में कवर हो गए। हमें इसके लिए कैश फ्लो भी निकालने पड़े, उसने रेडी नहीं दिए थे। पहले ये टेबल बनेगी, उसके बाद ही आपके मेथड यूज होना शुरू होंगे। ठीक है, कंप्लीट है।